लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। ये ग्राम बीड़ा सिमरिया की रहने वाली 31 वर्षीय युवती है। इसके साथ एक ग्राम भटवा का रहने वाला युवक है जो 3 साल पहले इसके साथ जान पहचान करके और इससे शादी का झांसा देकर इसको बसावन मामा लेकर गया था। वहाँ इसकी मांग में सिंदूर डाला और उसके बाद उसके ही परिजन जो ग्राम बरहों में रहते हैं उनके घर जाकर घर सुनसान घर में इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद लगातार लड़की से अलग अलग जगहों पर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर इसके साथ दुष्कृत्य किया, जिस पर कल दिनांक को लड़की ने रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इंसान के जीवन में उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जिस उम्र में लोगों के पास अक्सर कैरियर बनाने का समय रहता है, और जो लोग कैरियर बनाने पर ध्यान दे लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। और यही एक उम्र ऐसी होती है जिसमें अक्सर लोगों को प्यार की बीमारी लगती है, और जिन लोगों को प्यार की बीमारी लग जाती है उन लोगों का हाल क्या होता है एक बार यह भी देखिएगा। इस उम्र में जिन लोगों को प्यार की बीमारी लगती है उनमें से कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, और जो लोग सफल हो जाते हैं वह अपने वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं उनके पास भी दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, तो कुछ लोग साइको हो जाते हैं और प्यार का नाम जपते रहते हैं हर वक्त, और कुछ लोग क्राइम की दुनिया में कदम रख देते हैं और क्राइम करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। अगर प्यार दोनों साइड में है, लड़का और लड़की दोनों लोग प्यार किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग आगे चलकर दो में से एक किसी ना किसी को धोखा दे देता है। अगर लड़का धोखा दे दिया तो फिर है कि लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पहुंच जाती है और लड़के के नाम FIR हो जाती है और वह पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिला है, जहां रीवा जिले में एक बार फिर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवती से गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भटवा गांव में रहने वाला एक युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। युवक के द्वारा शादी का झांसा दिया गया था और लगातार 3 साल से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, और बाद में फिर लड़की को धोखा दे दिया गया और लड़के के द्वारा एक दूसरी शादी कर ली गई। जैसे ही इस बात की जानकारी युवती को हुई तो युवती अपने परिजनों के साथ रीवा के महिला थाने पहुंची और महिला थाने पहुंचकर पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद युवती के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया, वहीं महिला पुलिस के द्वारा भी तत्काल पूरी मामला दर्ज कर लिया गया, और मामला दर्ज करने के बाद युवक की तलाश की जाने लगी और आरोपी युवक को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया यह भी जा रहा है कि युवक और युवती की पहले दोस्ती हुई थी, और दोस्ती होने के बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, और जैसे ही दोस्ती प्यार में बदली वैसे ही युवक के द्वारा युवती को बसावन मामा ले जाया गया और वहां पर जाकर युवती के मांग में सिंदूर डाल दिया गया। और सिंदूर डालने के बाद युवक के द्वारा बखूबी युवती को यह आश्वस्त किया गया कि वह चिंता ना करे, जल्द ही युवक उसके घर में बारात लेकर आएगा। युवक पहले जाएगा, अपने घर वालों को पूरी बात बताएगा और बात बताने के बाद अपने घर वालों को मनाएगा, इसके बाद बारात लेकर आएगा। यही झूठा आश्वासन दे देकर युवक के द्वारा 3 साल तक लगातार युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। युवती के द्वारा बताया गया कि पहली बार युवक जब उसके साथ दुष्कर्म किया तब उसके घर में आकर जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, इसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार 3 साल तक दुष्कर्म की घटना को युवक अंजाम देता रहा। युवक का नाम राहुल साकेत बताया जा रहा है, जो कि गढ़ थाना अंतर्गत भटवा गांव का रहने वाला है। वहीं युवक के द्वारा जब शादी की गई तो युवक एक दूसरी शादी कर लिया,
जिस युवती को प्यार का झांसा दिया था और शादी का झांसा दिया था, उसके साथ शादी ना करके किसी और के साथ युवक शादी कर लिया। और जब युवक के द्वारा शादी की गई, उससे 6 महीने पहले से ही युवती से बात करना वह बंद कर दिया था और फिर बाद में दूसरी शादी कर ली। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही युवती को हुई तो युवती अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और घटना बताने के बाद महिला थाने पहुंची, जहां पर मामला दर्ज करवा दिया। वहीं महिला पुलिस के द्वारा जैसे ही युवती के द्वारा पूरी घटना बताई गई, तत्काल मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद न्यायालय भेजा गया। न्यायालय से आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। अब युवक जेल में है, लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आ रही है, और अक्सर ज़्यादातर रीवा ज़िले में यह देखने को मिलता रहता है कि कहीं पर बलात्कार की घटना, कहीं पर दुष्कर्म की घटना, ऐसी घटनाएँ आती रहती हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार रीवा ज़िला ही क्यों, सबसे ज़्यादा रीवा ज़िला में ही ऐसे केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है और सभी लोगों को यह समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा तो युवतियों को, क्योंकि कोई भी लड़का अगर ऐसे ही आपको शादी का झांसा दे रहा है तो उसके झांसे में ना आए कि कोई भी लड़का आपसे बोल दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका 7 जन्मों तक साथ ही देगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के लिए प्यार का नाम उपयोग करते हैं और प्यार के नाम पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं और इसके बाद साइड हो जाते हैं, जिसके बाद से ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, जैसा कि अभी सिमरिया थाना अंतर्गत से सामने आया है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ऐसी घटनाओं पर कब तक में रोक लग पाती है, क्या ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी और सिर्फ पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती रहेगी, क्या लोगों के बीच अब सुधार होगा या फिर नहीं, क्या लोग खुद से सोचेंगे या फिर नहीं, क्या लोगों के द्वारा कुछ समाज में सुधार लाया जाएगा या फिर पूरी जवाबदारी पुलिस के मत्थे ही छोड़ दी जाएगी। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।